सब्जियां पौष्टिक तत्वों के नाल भरिया होंदियां ने, इसलिए साड़ी खुराक का हिस्सा होना जरूरी है ता जो इम्यूनिटी चंगी सेहत नूं कायम रख सके। फल ते सब्जियां दी वरतों खनिज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन प्राप्त करन दा सब तो वधिया तरीका है। जिवें कि असीं जाणदे हां कोविड-19 साडी पाचन प्रणाली नूं प्रभावित करदे ते ढिड दी सोजिश ते टिशू दे नुकसान कारण बणदी है। ताजी सब्जियां फल पाचन प्रणालियां नाल आसानी नाल मिल जांदे ने, इस साड़ी सेहत दे लिए लाहेवंद होंदे ने। जूस तुरंत ऊर्जावान महसूस करवाने दे लिए एक वधिया तरीका है, क्योंकि यह खून दे प्रवाह च तेजी लियांदा है अते इस तरह कोविड-19 नूं छेती ठीक करन च मदद करदा है। दिन विच 2-3 बार सब्जियां ते फलां दा जूस पीना तुहाडी इम्यूनिटी सिस्टम नूं ठीक करदा है ते सोजिश घटांदा है। जाणो कुछ जूसां दी सूची जो कोविड-19 तों ठीक हो रहे मरीजां दे लिए लाहेवंद है। सब तो पहला गल करांगे टमाटर दे जूस दी। टमाटर दे जूस दे नाल नाल पुदीने दा जूस भी। जी हाँ, टमाटर पुदीने दा जूस एंटीऑक्सीडेंटां दे नाल भरपूर हुंदा है अते पाचन नूं कंट्रोल करन दे विच मदद करदा है। घर विच टमाटर पुदीने दा रस बनाउण दे लिए 4 गलास दा पानी, 8-10 पुदीने दे पत्तियां दा मिश्रण लो। इस च थोड़ा जिहा नमक, नींबू, मिर्च मिलाउण नाल जूस दे स्वाद च पोषण च वाधा हुंदा है। हुण गल कर लैंदी हां गाजर, चुकंदर, आंवला ते अदरक दा रस, जो साडे शरीर दे जहरीले पदार्थां नूं साफ करन, जिगर नूं सेहतमंद रखण च मदद करदा है। आंवले च विटामिन सी काफी मात्रा विच पाई जांदी है। इम्यूनिटी नूं वधाउण लई इह सब तों वधिया राह है। जूस बनाउण दे लई कट्टियां 2 गाजरां, 1 चुकंदर, 2 आंवले ते 1 इंच अदरक टुकड़ियां दा मिश्रण तैयार करो। फिर इस थोड़ा जिहा नींबू का रस मिलाओ, जूस तैयार हो जाएगा। हल्दी, अदरक, नींबू ते संतरा, इन्हों का जूस भी साड़ी सेहत के लिए बहुत लाहेवंद होता है ते करोना मरीजों के लिए जेडे कि करोना के नाल जूझ रहे ने उन्होंने लिए ये बहुत ही लाहेवंद सिद्ध होया है। इस सारिया समग्रियों एंटी इनफ्लीमेंट्री मिशन होंगे ने, जिन्हां च एंटीवायरस ते एंटीबैक्टीरियल गुण हुंदे ने। जूस बनाउण दे लई सारी समगरी नूं मिला के तैयार करो ते हुण तुहाडा जूस पीण दे लई तैयार हो गया। सो इंच इन्हां जूसां नूं अपने रोज़ाना दी जिंदगी दे विच शामिल करो। जेकर तुसीं करोना महामारी दे नाल जूझ रहे हो तां तुहाडे लई लाहेवंद साबित होवेगा।